इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 5 अगस्त के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1914 में अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। उस समय इसमें केवल हरी और लाल रंग की ही लाइट थी, जिसमें एक रुकने के लिए और दूसरी चलने के लिए थी। बाद में इसमें सावधानी सूचक तीसरी पीली लाइट भी लगाई गई। देश दुनिया के इतिहास में 5 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 1775 में पश्चिम बंगाल के राजा महाराजा नंद कुमार को कोलकाता में फांसी दी गई थी। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में धोखाधड़ी के लिए दी गई ये अंतिम फांसी थी। 1886 में आज ही के दिन कार का आविष्कार करने वाले कार्ल बेंज ने अपनी पहली कार का पेटेंट करवाया था। मराठी साहित्यकार एवं प्रसिद्ध समाज सेवी दत्तो वामन पोतदार का जन्म आज ही के दिन 1990 में हुआ था। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म आज ही के दिन 1901 में हुआ था। आज ही के दिन 1905 में रूस और जापान के शांति वार्ताकारों के बीच पहली बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के न्यूयॉर्क स्थित घर पर हुई थी। 1914 में आज ही के दिन क्यूबा, उरुग्वे, मैक्सिको और अर्जेंटीना ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ रहने की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1914 में अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। 1915 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वारसा पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इससे पहले ये क्षेत्र रूस के अधिकार में था। आज ही के दिन 1921 में अमेरिका और जर्मनी ने बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1923 में आज ही के दिन हेनरी सुलिवान इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले अमेरिकी बने थे। आज ही के दिन 1926 में फ्रांस और जर्मनी के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1945 में आज ही के दिन अमेरिकी हवाई जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ बोरदोलोई का निधन आज ही के दिन 1950 में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का जन्म आज ही के दिन 1969 में हुआ था। भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल का जन्म आज ही के दिन 1975 में हुआ था। आज ही के दिन 1991 में न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन आज ही के दिन वर्ष 2000 में हुआ था। आज ही के दिन 2008 में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप से 176 मील उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। 2011 में आज ही के दिन नासा के वैज्ञानिकों ने साइंस पत्रिका में मंगल ग्रह पर बहता पानी होने का दावा किया था। आज ही के दिन 2013 में भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में संपन्न हुए विश्व कप में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता था। चाचा चौधरी कार्टून चरित्र बनाने वाले प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा का निधन आज ही के दिन 2014 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।